आज BSE और कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये दोनों ने मिलकर एक MOU साइन किया है। इससे एक करिश्मा होने वाला है खेती में और किसान में, वो ये है कि देश में अब तक जहाँ सुसाइड है वहाँ कॉटन है, जहाँ कॉटन होता है वहीं सुसाइड का प्रमाण ज़्यादा रहता है। और अब BSE और कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये दोनों मिलकर जो MOU किया है उसकी वजह से एक चमत्कार हो जाएगा कि BSE कैसे संस्था है कि देश और दुनिया के इन्वेस्टर का इस पर भरोसा है। एक भरोसेमंद संस्था, जो इन्वेस्टरों की भरोसेमंद संस्था जो है वो BSE है, और ये BSE अब इसमें आ रही है, कॉटन में आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो देश और दुनिया के इन्वेस्टर है वो अब किसान, कपास किसान के खेती में अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब जब ये खेती में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ जाएंगे तो क्या करिश्मा होगा, मुझे जो लगता है वो मैं बात बताना चाहता हूँ। अभी मुझे जो लगता है, मेरा जो सपना है, मेरा जो ख्वाब है, मेरा ख्वाब ये है कि अभी वन वैरायटी वन विलेज, एक विलेज में एक ही क्वालिटी का कपास बनेगा, ये इन्वेस्टर की वजह से करिश्मा हो जाएगा। दूसरी बात, फार्म टू फैक्ट्री, खेती से डायरेक्ट फैक्ट्री, बीच में के सारे बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, और ये सारे बिचौलिए खत्म हो जाने के बाद किसानों को अच्छे पैसे मिलेंगे, आमदनी दुगनी। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का 2022 का जो सपना है किसानों की आमदनी दुगनी करने का, वो किसानों की आमदनी दुगनी करने का रास्ता आज BSE के इस बड़े बिल्डिंग में होने जा रहा है। और देश के बड़े बड़े इन्वेस्टर लोगों ने जिस तरीके का आज के मीटिंग में इन्वॉल्वमेंट किया, जिस तरीके की संख्या इनकी थी और जिस तरीके से ये हमारी बात सुन रहे थे, मुझे विश्वास है कि 101% हमारे देश के किसानों की आमदनी दुगनी होने में आज का रास्ता सही दिशा से जा रहा है। और जैसा आज कॉटन के बारे में सारा इतना डिस्कस हुआ, उसी तरीके से सोयाबीन के बारे में भी, मेरे महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो मेरे महाराष्ट्र में 1,49,00,000 हेक्टर में खरीफ का सोइंग है, और उसमें 80-82 लाख हेक्टर से भी ज़्यादा दो ही क्रॉप होते हैं जिसमें सोयाबीन और कपास होता है। कभी कपास ज़्यादा होता है तो कभी सोयाबीन ज़्यादा होता है, और कपास और सोयाबीन अगर 60% से ज़्यादा मेरे देश में सोइंग होता है तो BSE ने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कपास और सोयाबीन दोनों ही क्रॉप में अपने ये काम करने का तय किया है। मुझे ऐसा लगता है कि BSE की विश्वासार्हता अब खेती में विश्वासार्हता चली जाएगी, और दो करिश्मे हो जाएंगे। पहले करिश्मा जो मुझे लगता है कि फैक्ट्री टू फार्म और वन विलेज वन वैरायटी, अगर ये हो जाएगा तो किसानों की आमदनी 2022 में दुगनी हो जाएगी, और माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वप्न पूरा होगा, ऐसे मुझे आज की इस मीटिंग से, आज के कॉन्फ्रेंस से मुझे लगता है।